हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एलिस फूड लाइव में। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, जो बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। गाजर का हलवा बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं बिना देर किए। तो अब हम गाजर का कद्दूकस कर लेंगे। गाजर मैंने 1/2 kg लिया है, आप चाहे तो कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो गाजर हमारा कद्दूकस हो चुका है, अब हम चलते हैं गैस की ओर। गैस ऑन कर लेंगे, एक कढ़ाई बिठाएंगे। अब हम डालेंगे गाजर, उसके बाद डालेंगे 1 कप दूध, चला देंगे इसे। दूध डालने के कुछ सेकंड बाद गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे 10 से 11 मिनट हम पका लेंगे। तब तक हम ड्राई फ्रूट काट लेंगे, काजू बादाम, काजू एंड किशमिश। अगर आपके पास किशमिश है तो डालिए, अदरवाइज आप बगैर किशमिश के भी बना सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट हमारा कट हो चुका है, इसे हम साइड में रख देंगे। 10 से 11 मिनट हो चुका है, अब हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट पका लेंगे। तो 3 से 4 मिनट हो चुका है, 1 कप चीनी डाल देंगे। अगर आपको मीठा कम या ज्यादा चाहिए तो आप चीनी कम या ज्यादा कर सकते हैं। चीनी को हम गाजर के साथ मिला देंगे। अब हम डालेंगे ड्राई फ्रूट, काजू बादाम, काजू एंड किशमिश। अब हम डालेंगे घी, क्योंकि गाजर के हलवा में घी थोड़ा ज्यादा चाहिए। आप चाहे तो केसर भी डाल सकते हैं। घी डालने के बाद हम इसे कुछ सेकंड हाई फ्लेम पे भून लेंगे। तो गाजर का हलवा बन चुका है। गैस हम ऑफ कर देंगे, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, इससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। अब हम डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट। तो चलिए अब हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।